कौन कहता है कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के मुहिम ने बॉलीवुड का नुकसान नहीं किया है। बॉलीवुड बहुत बड़े घाटे में नहीं है। इस मुहिम ने बॉलीवुड की पूरी बैंड बाजा बारात निकाल कर रखती हुई है। एक के बाद एक धीरे धीरे हर कलाकार अब इस बात को मानने के लिए रेडी हो चुका है कि नहीं, बॉलीवुड की बर्बादी वाकई में हो रही है। इस साल 5 फिल्में फ्लॉप देने के बाद अक्षय कुमार की भी अक्ल ठिकाने आ गई है, क्योंकि बॉलीवुड में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। और 2020 से तो और अब तक ये जितने भी फिल्में अक्षय कुमार ने की है, सब की सब सुपर डुपर फ्लॉप रही। एक सूर्यवंशी को लेकर ये कहा जा रहा है कि फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की थी, चलिए मान लेते हैं कि उसने कमाई की थी, लेकिन अक्षय कुमार ने बाकी जितनी भी फिल्में की है सब की सब फ्लॉप हो गई। सब बड़े बजट वाली फिल्में थी और किसी में भी इनका जादू नहीं चला। वरना एक समय ऐसा भी था कि जब अक्षय कुमार के नाम पर फिल्में चल जाया करती थी और अक्षय कुमार कितनी फीस लेते थे ये बताने की और समझाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। अब अक्षय कुमार की भी अक्ल ठिकाने आ गई है, इनका दिमाग खुल गया है और इन्होंने बॉलीवुड में तरह तरह की कमियां गिनवाना भी शुरू कर दिया है कि बॉलीवुड में ये कमियां हैं, अगर इनमें सुधार किया जाए, इस जगह पर अगर इस चीज को रखा जाए, ये चीज की जाए, तो शायद बॉलीवुड की गाड़ी पटरी पर आ सकती है। हालांकि ये कितनी भी कोशिश कर ले पटरी पर तो नहीं आएगी, लेकिन अक्षय कुमार ने कहा क्या है वो सुन लीजिए। अक्षय कुमार का ये कहना है कि कुछ छोटे मोटे बदलाव करके बॉलीवुड को फिर से सफलता की राह पर लाया जा सकता है। बॉलीवुड को फिर से इन्वेंट करने की जरूरत है। फिल्मों के टिकट में 30-40% की कटौती करो और कलाकार जो है वो अपने जो प्राइजेस लेते हैं, जो फीस लेते हैं, उसमें भी कटौती की जाए। इनका यही कहना है कि हमें फिर से बॉलीवुड में जितने भी मिथक थे उसे तोड़ना पड़ेगा, बॉलीवुड को इन्वेंट करना होगा, हमें फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये जो पुरानी चीजें थी अब ये सब चलने वाली नहीं है। क्योंकि एक्टर्स को अपनी फीस में कटौती करनी होगी, सिनेमाघर में जो टिकट वसूले जाते हैं उसमें कटौती करनी होगी, ये पॉपकॉर्न वगैरह जो बेचे जाते हैं शायद उसमें भी कटौती करने की बात अक्षय कुमार आने वाले भविष्य में कर दें, फिर ये जो फिल्मों को बनाने में खर्च आता है उसमें भी कटौती करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अक्षय कुमार इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि भाई 25-30 दिनों में ये जो शूटिंग कर लेते हैं इसके बारे में ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि भाई फिल्मों को थोड़ा और टाइम देना चाहिए तब जाकर फिल्में अच्छी बनती है, उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। बाकी चीजों के बारे में उन्होंने ज्ञान सब कुछ दे दिया है। इनका ये कहना है कि अगर आप दर्शकों को सिनेमाघर तक लेकर आना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। यानी अब कोई कह दे कि बॉयकॉट बॉलीवुड का असर नहीं हुआ है तो उसको इस तरह की वीडियोस दिखा देना, अक्षय कुमार के इस इंटरव्यू को जरूर दिखा देना, क्योंकि धीरे धीरे बॉलीवुड में अब हर कोई मानने लगा है कि बॉयकॉट बॉलीवुड का असर पड़ रहा है, बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही है। लेकिन एक चीज ये लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, जिस पर बात नहीं कर रहे हैं, कि बॉलीवुड की असली बर्बादी की जो वजह है वो सुशांत सिंह राजपूत का ही केस है, उसके बाद हिंदुत्व वाला मुद्दा, ये दोनों ही चीजों के ऊपर जब तक बॉलीवुड काम नहीं करेगा तब तक बॉलीवुड की असफलताएं लगातार चलती रहेगी। क्योंकि जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक उस केस का सच सामने नहीं आ जाता, तब तक बॉलीवुड की बर्बादी यूं ही चलती रहेगी। ये बात ये लोग जानते हैं लेकिन इस पर कोई डिस्कशन करना नहीं चाहता है।